हेलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागत है तृपान स्टडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर ये क्वेश्चन पेपर जो है क्लास टेंथ वाले बच्चों के लिए हैं जो सी बी एस के अंतर्गत पढ़ते हैं उनके लिए क्वेश्चन सोलूशन जो है तृपान स्टडी सेंटर ने लाया है और ये आपके समक्ष एम भी रहेगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेंगे और ये क्वेश्चन देखा जाए तो एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे तिरपान स्टडी सेंटर ने उन क्वेश्चनों को उठाया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम नर डा डाल सकता है इस पर हमने एनालाइज करना है समझना है और हर एक पहलू पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करना है लेकिन आपको पता है कि ये पेपर सोल्यूशन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं जिसको आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए और ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि तो दोस्तों लाइक like कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए ये आप भी नहीं जानोगे इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो ठीक है व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ तो सी सेंटर जो है कई में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है चाहे वो एट्थ क्लास हो नाइन्थेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ हो चाहे वो एनआईस बोर्ड के बच्चे हों ठीक है चाहे बी एम ए के बच्चे हो सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है से सेंटर में उपलब्ध है तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इस चैनल को जो है सेव कर लो नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राइवेट प्राप्त तो ना हो तो इसलिए सोचना नहीं विचार नहीं करना है सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है दोस्तों तो ये तो बात था आपके लिए लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हियर क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी सोशल साइंस हियर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर द इंपोर्टेंट फॉर द एग्जाम व्यू हियर एनालाइज द रोल ऑफ multi party system in a democratic country like india you know that there is a question it's clear here analyze the role of multi party system in a democratic country like india in a democratic system like india multi party political play a crucial role in the representing the was interesting and aspiration of the citizen that's important the multi-party system allow for the competitive and dynamic political environment where the parties with the different ideologies and ag agendas can participate and complete from the support of the electorate. That's important here. The multi-party system allow to be a competitive and dynamic political environment and where the parties are different, ideology and agendas can participate in a complete for the support of electorate, that's important. the presence of multi-party parties also a provides a check and balance against any one party become for the two power and dominant. that's important here. the presence of multi-party also provide a check and balance against any one party become a two powerful and dominant this system allow a variety of interest and opinion to enjoy the political representations that's important this system allow to the variety of interest and opinion to enjoy the political representations here people can make a choose between two several candidate that's important here a people can make a choose between several candidate through the system, difference and diversity of the party could uh, represent the section of society, and power does not be absorbed in the hand of one single party. That's important features here. There is a uh, not of uh, absorbed in the hand of one single party here uh, for here. Uh, uh, through the system, India adopted this system because of the vast diversity and plurality. इन द नेशन दैस इम्पोर्टेंट या रीजन ऑफ अडोप्टिंग दिस सिस्टम यहाँ पर हम हम जो कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन पेपर क्लास दसवीं सी बी एस ई एन सी आर टी समाजी विज्ञान का और यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन एग्जामिनरों का काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और क्वेश्चन यहाँ पर साफ़ है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बहुदलीय प्रणाली की भूमिका का विश्लेषण करें देखिए भारत में एक पार्टी का दौर नहीं है भारत जो है बहुदलीय प्रणाली के रूप में जाना जाता है और ये भारत के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है कोई भी लोकतांत्रिक देश के लिए जो है बहुदलीय प्रणाली होना एक काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है देखा जाए तो कई देश ने लोकतंत्र को अपनाया था लेकिन वहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था कायम नहीं रख सका लेकिन भारत एक ऐसा देश है और साथ में इक्का दुक्का और भी देश जिन्होंने आज़ादी से लेकर अब तक जो है लोकतंत्र व्यवस्था को ही महत्व दिया है देखा जाए तो भारत जैसे लोकतंत्र व्यवस्था में बहुदलीय राजनीतिक नागरिकों के विविध हितों और आकांक्षाओं के प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि बहुदलीय राजनीतिक होने से ये होता है कि कोई एक शासक जो है तनाशान नहीं हो सकता है हमारे देश में देखा गया है कि एक शासक जो है हमेशा सा तनाशान नहीं रहा है लेकिन ये बात भी यहाँ पर हजम करने योग्य भी नहीं है कि भारत में सिर्फ दो पार्टी की ही राजनीतिक उभरी है एक तो कांग्रेस और एक बीजेपी कहते हैं इसकी दौड़ सदैव ही चलती आ रही है जिसके कारण हमेशा ये ऑप्शन बना रहता है कि कभी कांग्रेस जीतेगी तो कभी बीजेपी का दौर चलेगा और ये सही नहीं है कहते हैं जब यहाँ पर लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है तो यहाँ पर कई पार्टियों का बनना भी सुनिश्चित करता है और ये देखा जाए तो बहुदलीय होने का नुकसान भी है लेकिन बात है यहाँ पर लोकतंत्र में बहुदलीय प्रणाली की भूमिका पर तो कहते हैं बहुदलीय प्रणाली का प्रतिस्पष्टी और गतिशीलता राजनीतिक माहौल के अनुमति देती है कि राजनीतिक माहौल के अंतर्गत बहुदलीय प्रणाली की जो है अपनी गतिविधियाँ चलती हैं जहाँ विभिन्न भी विचारधाराओं और एजेंटों वाले दलों ले सकते हैं और मतदाताओं के समर्थन के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं यानी देखा जाए तो भारत में एक कंपटीशन बन जाती है लेकिन भारत में आज कंपटीशन की सबसे अच्छा इन्होंने तोड़ निकाल लिया है राजनीतिक पार्टियों ने कि जो पार्टी जितना फ्री करती है जनता उसी को ही चुनती है अब देखा जाए तो ये राजनीतिक पार्टी की चापलूसी है कि आम जनता की न समझदारी है इस पर तो जनता स्वयं समझती होगी और राजनीति राजनीतिक पार्टी स्वयं जानती होगी कि जो इन्होंने फ्री करने का विचारधारा रखा है जिससे इनकी एजेंडा होती है वही सरकार हमेशा ही जो है सरकार बनाती है तो ये तो गलत है देखा जाए तो कुछ समय में जिन क्षेत्रों में इलेक्शन हुई है वहाँ पर इन्हीं चीज़ों का मुद्दा बनाया गया है आज मुद्दा शिक्षा नहीं है न रोड की प्रॉब्लम है आज तो सिर्फ लालच है फ्री की जो सरकार फ्री कर रही है उनके तरफ जो है जनता का रुख चलती है जो सही नहीं है कहते जहाँ पर फ्री है उसी तरफ हवा चलती है तो ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए क्योंकि कहते हैं बहुदलीय प्रणाली होना हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा देश लोकतंत्र को मानता है यानी जनता का राज और जनता को समझदार होना जरूरी है कहते हैं हमें अपने देश को बढ़ाना है देश को जो है विकसित करना है न कि अपनी लालच में देश को बर्बाद करना है कहते हैं आज देखा जाए तो हर सरकार कहती है कि रोज़गार देंगे गरीबी दूर करेंगे लेकिन कोई भी सरकार से आज तक नहीं हो सका हम आज़ादी के कितने जो है पचहत्तरवें साल भी मना ले ले रहे हैं लेकिन हमसे अभी तक वो अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर सके हैं जो दूसरे देशों ने प्राप्त कर चुके हैं हमारे साथ कई देश आज़ाद हुए थे लेकिन वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम जहाँ के हैं वहीं पर अभी रह गए हैं कई पार्टियों की मौजूदगी किसी एक पार्टी की अधिकतम शक्तिशाली और प्रभावशाली बनने के खिलाफ नियंत्रण संतुलन भी पैदा प्रदान कर देखिए बहुदलीय प्रणाली होने का ये सबसे महत्वपूर्ण फायदा होती है कि एक पार्टी की मौजूदगी कारण एक पार्टी जो है प्रभावशाली नहीं हो सकती है और उसका वर्चस्व नहीं चल सकता है कहते हैं कई पार्टी होने से ये होता है कि कोई भी सरकार तनाशा नहीं होता है उसको जब चाहे हम उखाड़ के फेंक सकते हैं तो हमारे समक्ष दूसरा पार्टी भी विकल्प के रूप में खड़ी रहती है तो ये बहुदलीय प्रणाली होने की सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है देखा जाए तो यह प्रणाली विभिन्न भी प्रकार के हितों और विचारों को राजनीतिक प्रनित का जो है आनंद लेने की अनुमति भी देता है क्योंकि यहाँ पर हमें हर पार्टी की अपनी विचारधारा रहते हैं और हर विचारधारा से हमें अवगत होने का जो है समय मिलता है टाइम मिलता है कि हम अपना प्रतिनिधि जो है अच्छे से अच्छे चुन सकें लेकिन मैंने वही बात बताई कि आज के समय में राजनीतिक पार्टी में देखा जाए या इलेक्शन में देखा जाए तो बहुत ही गलत कार्य होते हैं इस बात का इलेक्शन कमीशन को भी जोर देना चाहिए आज देखिए कहीं भी इलेक्शन हो वहाँ पर शराब बांटे जाते हैं कपड़े बांटे जाते हैं पैसे बांटे जाते हैं और जो जितना अधिक बांटता है उसकी जीत होती है तो ये निपक्ष चुनाव नहीं हुआ और इसको पे जो है इलेक्शन कमीशन को जोर देना चाहिए क्योंकि हम तभी आनंद ले सकते हैं डेमोक्रेसी कंट्री का जहां पर जो है सुचारू रूप से इलेक्शन किया जाए और तभी फ़ायदा होगा बहुदलीय प्रणाली होने का लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी कार्य नहीं करती है कहते हैं कई बार इलेक्शन में गलत भाषाओं का भी उपयोग किया जाता है लेकिन इलेक्शन कमीशन सिर्फ धमकी देती है चुनौती देती है और एक पत्र लिख के दे देती है लेकिन करती कार्रवाई नहीं है लोग कई जिम्मेदार जिम्मेवारों के बीच चयन कर सकते हैं इसे देखिए अगर बहुदलीय होने से ये होता है कि कई उम्मीदवारों के बीच में आप अपने अच्छे उम्मीदवार को चुन सकते हो इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न और विविध दल समाज के वर्गों की प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और सत्ता एक ही पार्टी के हाथों में समाहित नहीं होती है तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न विविध दल समाज के वर्गों को प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और सत्ता एक ही पार्टी के हाथों में सीमित नहीं रहती है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है भारत ने देश में यानी भारत देश में देखा जाए तो विशाल विविधता और बहुलता के कारण इस प्रणाली को अपनाया गया है क्योंकि भारत विशाल देश है और देखा जाए तो जनसंख्या में भी नंबर वन है इन्हीं सब कारणों से जो है भारत में इस प्रणाली को जो है महत्ता और भी बढ़ जाती है दोस्तों यहाँ पर बात तो सब सही है बहुदलीय प्रणाली की बहुत ही विशेषता है लेकिन कुछ कमियाँ हैं जिनको सरकार को दूर करने की चाहिए और नागरिकों को भी सोच समझ के अपना प्रतिनिधि चुनने की जरूरत है कहते हैं लालचों में आकर चुनना ये कहीं का भी समझदारी नहीं रहता है हमारा देश महत्वपूर्ण है डेमोक्रेसी तो है, है बहुदलीय प्रणाली को विश्वास रखती है तो हमें उसी प्रकार का जो है आनंद भी लेना चाहिए इलेक्शन में कभी भी जो लालच दे पैसे बाँटे शराब बाँटे कपड़े बाँटे उनसे कभी भी आप इलेक्शन में उनको ना जिताएं, क्योंकि ऐसे जिताने से वो लोग आपको ही बाद में कहेंगे कि आपने मुझे फ्री में नहीं जिताया है आपको हमने बहुत कुछ दिया है तब जाके इलेक्शन में आपने मुझे वोट दिया है तो आपको भी बोलने का यहाँ मौका नहीं रह जाता है अगर आप निरपक्ष चुनाव करते हो करवाते हो और करते हो तो आपको जो है ऐसे गवर्नमेंट को बोलने का भी अधिकार है और इसको उखाड़ फेंकने का भी अधिकार होता है क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे तो जरना सी बात है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर हो सकता है और यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहता है पहली बार मेरे चैनल पे आए हो पहली बार वीडियो देख रहे हो समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इस प्रकार प्राप्त होता रहे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बल में सेव कीजिए जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और तिरपान स्टडी सेंटर पता ही होगा कि एड्स से लेकर एम तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण तो है यहाँ पर बहुत कुछ है समझने के लिए सोचने के लिए तो सोचिए नहीं विचार ना कीजिए अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए